अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे? मैं भी ठीक हूँ। जो मैंने बात करनी थी वो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और टाइटल भी देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान हमारा पिछले कुछ दिनों से सैलाब की जद में है। तकरीबन 50% या 60% मैं कह सकता हूँ आराम से ईजीली कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है फ्लड की वजह से। KPK, हमारा सिंध, हमारा सूबह पंजाब, हमारा सवात, हमारा तौसा, हमारे कई बहुत सारे ऐसे सूबे हैं और उनकी अलग बस्तियाँ हैं और बस्तियों में कई सारे हज़ारों में लोग रहते हैं। बस्ती होती है, एक बस्ती नहीं होती, उसमें कई हज़ारों में बस्ती होते हैं और उस हज़ारों बस्तियों में एक बस्ती में आप सोचें कितने लोग रहते होंगे। अगर उस बस्ती में सैलाब आ सकता है तो जो उस बस्ती में अगर 2000-3000 लोग रहते हैं तो अगर उसमें से 500 से तकरीबन 1000 बेघर हो जाएँ तो किस तरह फील होगा। वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि मैं चाहता हूं कि आप लोग, मुझे पता है आप लोग डोनेशन कर रहे हैं, अपनी तरफ से करें जितना हो सके, आप सबको अजर दें। हम जो लोग हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर तो छत है, हमारे 3 वक्त का खाना भी है, आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो बेचारे 3 दिन से 5 दिन से 1 वीक से जिन्होंने 1 टाइम का वक्त का खाना नहीं खाया, जिनके बच्चे बेचारे फ्लड की जद में आकर बह गए हैं, जो बेचारे इतने डेथ हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा बता नहीं सकता कि हज़ारों की तादाद में डेथ हुई हैं और कई लाखों में बेघर हुए हैं और लाखों में तो उनके जानवर बेचारे, मैंने सुना है कि 10 लाख से ज़्यादा तक, मिनिमम 10 लाख से ज़्यादा तक के जानवर जो बह गए हैं, जो सैलाब की जद में आकर बेचारे वो भी डेथ का शिकार हो। जानवर हैं हमारे, भैंसें हो गई हमारी, हमारी जो भैंसें हैं वो अगर 10 लाख से ज़्यादा तक की आबादी जिनकी भैंसों की है वो अगर बह जाते हैं या मर जाते हैं तो सोचें कितना बड़ा हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए नुकसान है। जिनकी फसलें तबाह हो गई, कितना बड़ा नुकसान है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दिया है डोनेशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं ख़ुद भी हूँ, कई सालों से काम कर रहा हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूव गवर्नमेंट से भी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वेलफेयर है ये कई सालों से मदद कर रही है। नाफिदो जो ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर से स्पेशल तौसा के इलाके में आई राजनपुर में, अभी भी वो वर्क कर रहे हैं उस इलाके में, कई दिन से वो राशन तकसीम कर रहे हैं और जो पैक बना रहे हैं एक फैमिली का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चावल आ जाते हैं, दालें आ जाते हैं, आलू आ जाते हैं, 2 घी आ जाते हैं, पैकेट 2 घी के आ जाते हैं, साबुन आ जाता है, मॉसबेल आ जाता है, दालें, सब्जियां, चावल वगैरह, शुगर वगैरह सब कुछ, मतलब एक एक फैमिली का वो पैक बना रहे हैं, उसमें बिस्किट के कुछ पैक्स भी डाल रहे हैं जो एक फैमिली के लिए कुछ दिनों तक का गुजारा है, मतलब कि वो एक अच्छा काम करें। यहाँ पे एक मेंशन करता जाऊँ कि लिया के 2 लड़के हैं, एक आरिफ और एक आरिफ समी और एक है निज़ाम, जो तकरीबन डोनेशन इकट्ठी करके लाखों में तौसा के इलाके में खुद गए वो दोनों, उन्होंने हेल्प की, रीच आउट किया, लोगों को मदद की। आप यकीन करें कि लोगों ने डोनेट किया, यहाँ के लोगों ने डोनेशन दी, लोग देते हैं इन हालात में। हमारी अगर आप देख लें कि ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, टॉप 10 में आता है पाकिस्तान, अगर आपको पता नहीं तो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिनमें ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा खदशा होता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि फ़र्स्ट टर्म में आपने इस दफ़ा करना क्या है। अगर आपके पास या मेरे पास कोई भी पोलिटिकल पार्टी आती है जो अपने इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए, ऑब्वियसली वोट ही मांगने के लिए आते हैं और हमें कुछ वादे देने के लिए आते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, उनसे एक क्वेश्चन लाजमी करना है कि हाँ भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस दफ़ा आपने क्या सोल्यूशन निकाला है और हम कैसे यकीन करें कि हम इस दफ़ा सेफ़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे लिए क्या इकदाम किए गए जो हम अगले कुछ सालों तक सेफ रहेंगे, मतलब हमने अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ को सेव रखना है एक कंट्री में। मेरा जो गवर्नमेंट है मैं उसके भरोसे अब नहीं जी रहा, मैं अल्लाह के भरोसे जी रहा हूँ। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो फैमिली है हमारी या जो मतलब हमारे घर के काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल, मुझे गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं। इन फ्यूचर मैंने जब जॉब करूँगा या कुछ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव पर खड़ा होकर सारा कुछ करूँगा, इंशाल्लाह मुल्क के लिए करूँगा। और मेरा एक एम है कि मैं एक वेलफेयर बनाऊँ जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ऑल इन द वर्ल्ड मतलब काम करे, और इंशाल्लाह मैं ये काम करूँगा भी सही। जो इस वीडियो बनाने का मकसद है कि डोनेट आपने मुझे नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में नाफिदो जो ऑर्गेनाइजेशन लिख गया आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझसे भी इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उनसे थ्रो मतलब बात करवा सकता हूँ और आप डोनेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करें, आप जाएँ आप वहाँ पे कैंप लगे हुए आपके इर्द गिर्द देखें कैंप लगे होंगे आप वहाँ डोनेट करें, आप जाकर ख़ुद हेल्प करना चाहते हैं तो आप हेल्प करें, अगर आपके पास कुछ यूज़ेबल चीज़ें पड़ी आप देना चाहते हैं वो आप दें, मुझे आकर आप ख़ुद रीच आउट करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काम कर रहे हैं,
आकर देना चाहते हैं तो आप मुझे आकर दें या डायरेक्टली आप जो जिस तरह आपको ठीक लगता है। लाहौर के लोग यहाँ तक तौसा तक आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग की, ये आपने सफ़र लाजमी क्वेश्चन करना है और दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को इस आफत से महफूज रखे, हम इसका सलूशन निकाल सकें ताकि अगली दफ़ा जब कुछ हो तो हम उससे सेफ रहें। हम तो सेफ हैं, हमारे ऊपर छत है। जो बेचारे इस तरह इस बेचारे आफत में घिरे हुए हैं उनकी आप ज़रूर हेल्प करें, तो डोनेट करें पाकिस्तान के लिए और दुआ करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।